तो जन्माष्टमी मनाते हो ना, हाँ, प्रसाद वहीं से मिलेगा, लगा हुआ हार का नहीं था, फूल जरूर चढ़ेंगे, ले लेना। हाय फ्रेंड्स, अभी रात की 12:30 बजा है और अभी हम लोग जा रही हूँ भोजपुरा स्टेशन से मथुरा घूमने के लिए, और सलिया आप लोगों को भी लेके चल रहे हैं और हम लोग पहले मथुरा दर्शन करेंगे। और अभी हमारी ये ट्रेन आ रही है और हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और सुबह हो गई है। अब देख सकते हैं ये सुबह मतलब 4:15 बजा है, मथुरा में हम लोग पहुंच गए हों। ये ट्रेन हम रुक गई है मथुरा स्टेशन से, आगे जाएंगे लेकिन हम यहीं उतरेंगे और ये हम लोग मथुरा में उतर गए हों। मैं और मेरी बेटी दोनों बेटी लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हम लोग मथुरा पे उतर सके हूँ और ये बाहर की नज़ारा है मथुरा के स्टेशन में। और अभी हम लोग जाना है, एक होटल लेना है पहले, क्योंकि सामान बहुत है और सामान लेके एक होटल में रखेंगे। और हम लोग बैठ सकते हैं टिकट पे, टिकट नहीं है, ये ऑटो, यहाँ ऑटो है, ये ऑटो हमें होटल में लेके जा रहे हैं। वो इधर देखो कहाँ। तो फ्रेंड्स अभी हमने होटल पे आ गई हूँ और अभी सामान लेकर उतर रही हूँ क्योंकि होटल पहुँच चुके हैं हम लोग। ये देखो हाय कह दो, हाय कर देगी वो, जैकेट पहन के भारी लग रही है उसे। तो फाइनली हम लोग एक कमरा में आ गई और बहुत आराम मिला जो हम थक थका के आई थी। और नहा धो के गीजर चला के आराम से गर्म पानी से नहा लिया, नहा धो के फिर बाबू को भी तैयार कर लिया, बाबू को भी बुबू की बुबू दे लिया लिया इसने, और फिर हम लोग तैयार होके निकल गई। तो बता देता हूँ यहाँ का भी महक है, यहाँ का भी महक है। अच्छा, बोलो कृष्ण भगवान की जय। इस जगह को होली स्थल बोलते हैं। गोकुल में उतर के ही हमें एक पंडित लेना पड़ रहा है क्योंकि हमें यहाँ की जानकारी नहीं है। तो ये हमारे जो आगे चल रहे हैं ये पंडित जी हमें सब कुछ बता के जा रहे हैं और हमें इनके बदले इन्हें कुछ देना पड़ेगा, दसिना वसिना दे के जाएंगे और इन्हें तय होता है इतना पैसा चाहिए, बता ही देते हैं पहले ही। तो जन्माष्टमी मनाते हो ना, हाँ, और प्रसाद वहीं से मिलेगा, लगा हुआ हार का नहीं था, फूल जरूर चढ़ेंगे, ले लेना। गोकुल में माता तोड़ दो, कन्हैया लूट लूट के मक्खन खाया था और रोक रोक के डाल दिया, अभी उनका नाम पड़ा माफी। यही यही आज भी ये पूरे ब्रज में जन्माष्टमी के एक दिन होने वाले इसी जगह पर नंद महोत्सव मनाया जाता है। नंद के आनंद हुए और जय कन्हैया लाल की, ये बड़ा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम 6 घंटे चलता है और इसको बोलते हैं राष्ट्र। समय के अनुसार 1 महीने रासलीला चलती है, 15 दिन सावन और 15 दिन भदौ। श्राद्धों के बाद 10 दिन रामलीला का प्रोग्राम होता है और इसी जगह जन्माष्टमी मनाते हैं। बोलो गोकुल धाम की जय। ये जो गोकुल की धाम की छोटी छोटी गलियां हैं बहुत अच्छे लगते हैं घूमने के लिए, और छोटे छोटे मंदिर भी है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप लोग भी आइए ज़रूर, एक बार होके जाइए। ये जो गोकुल धाम में है ये लास्ट वाला मंदिर हम दर्शन करने आए और ये जुमन गई थक इसी वजह से बैठी हुई है। और ये मंदिर के अंदर हमें कैमरा लेके जाने नहीं दिया जो इसी वजह से हम वीडियो नहीं ले पाई।
आई होप आप लोगों को मेरी ब्लॉग पसंद आया होगा, तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके रखिए। और अभी जा रहे हैं किशन जी की जन्मभूमि की और ये जो है रास्ते में ये जमुना नदी है जो गोकुल धाम गाँव के बिल्कुल पास में ही है। और आज की ब्लॉग में ये समाप्त कर रही हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।